नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। नमस्कार, एसटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। तटबंधों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने, अधिकारियों को दिया उचित निर्देश। राजद कोटे से तीन नेताओं ने दाखिल किया नामांकन, चुनावी सरगर्मी तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया टीबी मुक्त भारत का वादा। लोजपा से तोड़ा नाता, जपने लगे जाप का नाम। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जल संसाधन मंत्री ने कमला नदी तटबंध का मुआयना कर अधिकारियों को चौकस रहने का आदेश दिया। लगातार नेपाली क्षेत्र में बारिश होने के चलते बिहार के सीमावर्ती नदियों में आई उफान से आम आदमी से लेकर सरकारी तंत्र की नींद उचट गई है। इसी क्रम में कमला बलान, अंधवारा समूह की नदियों, कोसी समेत अन्य छोटी नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से पहले लोग दहशत में आ गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मानसूनी वर्षा के अलर्ट के साथ ही उत्तरी बिहार की नदियों के साथ बांधों का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मंगलवार का दौरा किया। तटबंधों की सुरक्षा के बारे में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने खुद चलकर कमला नदी के तटबंध कार्य का मुआयना किया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपने एजेंडे में काम करना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव से पहले सरकार को घेरने में लगे हैं। आज तेजस्वी यादव पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए इजाफों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए लाओ लश्कर के साथ सड़क पर उतरे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला। तेजस्वी यादव के साथ बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। राबड़ी आवास से तेजस्वी और तेज प्रताप लाभ लश्कर के साथ निकले। रास्ते में राजद समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद ने बुधवार को अपने तीनों MLC रामबलि, सुनील कुमार और एक अन्य को उम्मीदवार बनाया है, जिसका बुधवार को विधान परिषद पहुंचकर तेजस्वी यादव के साथ नॉमिनेशन किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जो 5 विधान पार्षद जदयू का दामन थामे उनको शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि नीतीश कुमार तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, इसलिए 15 साल से बिहार की सत्ता में हैं, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है यह बच्चे बदतर हो चुकी है। पहले वे 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़े, लालू यादव के चेहरों पर उन्हें मुख्यमंत्री बने और जनादेश का अपमान किया। ज्यादा दिन दूर नहीं 2020 का विधानसभा का चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, जिंदगी भर याद रखेंगे और नीतीश कुमार इसी तरह की राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी है। चुनाव का माहौल है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता का फायदा क्या हुआ? जनता तो सवाल पूछ रही है, नीतीश कुमार जी आपने कितने रोजगार दिए? आपने कोरोना की जो जांच जो बढ़ाने की बात थी, आज भी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है कोरोना का? राजद ने बुधवार को अपने तीनों MLC रामबलि, सुनील कुमार और एक अन्य को उम्मीदवार बनाया है, जिसका बुधवार को विधान परिषद पहुंचकर तेजस्वी यादव के साथ नॉमिनेशन किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जो 5 विधान पार्षद जदयू का दामन थामे हैं उनको शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि नीतीश कुमार तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, इसलिए 15 साल से बिहार की सत्ता में हैं, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है वह बद से बदतर हो चुकी है। पहले तो 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़े, लालू यादव के चेहरे पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया
और जनादेश का अपमान किया। ज्यादा दिन दूर नहीं 2020 का विधानसभा का चुनाव में जनता सबक सिखाएगी, जिंदगी भर याद रखेंगे। और नीतीश कुमार इसी तरह की राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी हैं। राजद की टूट के लिए तेजस्वी को दोषी करार देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, राजद में हुई टूट से किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा, बल्कि वास्तव में लोगों को उन नेताओं पर अचरज हो रहा है जो अभी भी अपमान सहकर पार्टी में टिके हुए हैं। इसके अलावा यह महागठबंधन के दलों के लिए खतरे की चेतावनी भी है। इन दलों के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि जिस राजद के भरोसे वह एकाध सीट जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, वह एक डूबता हुआ जहाज बन चुका है। इसके साथ रहने से महागठबंधन के बाकी दलों के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष फैल चुका है और इस बात की प्रबल संभावना है कि जल्द ही उन्हें भी इस तरह का टूट का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई की मुहिम को पूरी तरह से बदलकर इसे नया रूप दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में साहसिक, महत्वाकांक्षी और दृढ़ प्रतिबद्धताओं के साथ नए दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। पिछले वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी के मरीजों के उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और व्यापक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। आपका स्वागत है। बयानों की राजनीति पर इन दिनों सभी राजनेताओं की नजर है, लेकिन मजे की बात यह है कि खामोश नजरों से जनता भी इन्हें देख रही है। वायदे, इरादे और समर्पण के साथ आइए सुनिए इनकी जुबानी। तो हमारे आने से सिर्फ ये मालूम हो गया नीतीश कुमार जी को कि रामबलि सिंह का चयन हो गया है राष्ट्रीय जनता दल से MLC के रूप में, तो उनकी गणित बिगड़ गई। वह गणित था पहले कि अशोक चौधरी को देना था, संजय सिंह को देना था, फलाना को देना था, लेकिन तीनों के तीनों सीट उन्होंने अति पिछड़ा में देने का काम किया। इसे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की घबराहट कितनी बढ़ी हुई है। गरीब किसानों का, मजदूरों का, जो जितने अकलित समाज के लोग हैं, जिस तरह से हम लोग उनकी बात को उठाएंगे, वो तो अपने आप में एक देश है। अगर बहुत मजबूती अगर अगला सरकार अगर होता तो क्यों इस तरह के फिसड्डी नेताओं को अपने पार्टी में ले जाता। पांच, आप किसी भी 10 व्यक्ति से पूछ लें कि जो 5 MLC उस पार्टी में गए हैं, कोई अगर उसमें से 2 व्यक्ति भी अगर पूरे 5 MLC का नाम बता दें तो आप जो कहिए सो। रोज़गार कैसे मिले मजदूरों को जो आज पूरे प्लान करके आए हैं, हर जगह से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जहां से भी, बहुत तकलीफ़ में हैं वो लोग। कोशिश यही रहेगी जो यहां पे उनको मिले रोज़गार, बाहर जाने की वापस ज़रूरत ना पड़े उनको। आया मौसम चुनावी तो होने लगे नेता एक दूसरे पर हावी।
अब इन्हें देखिए, कल तक एलजेपी का नाम जपते थकते नहीं थे, लेकिन आज जपने लगे जाप का नाम। जी हाँ, बांका जिला के बहुत सारे नेताओं ने एलजेपी छोड़ जाप का दामन थाम लिया है। पटना एसटीएफ की टीम ने बहुत चर्चित अपराधी वरुण कुमार को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। बताते चले कि कुख्यात अपराधी वरुण कुमार को कई जिलों की पुलिस तलाश रही थी। खगड़िया का रहने वाला यह अपराधी 25,000 रुपये का इनामी भी था। पटना लॉकडाउन के बाद राजधानी में अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो गया है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित गौरिया मठ मंदिर के बगल वाली मंडी का है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पास एक फूल बेचने वाली महिला ने बताया कि दान पात्र से कई बार दान किए गए पैसे गायब हुए हैं, लेकिन अब दुर्गा माता के सोने के गहने भी चोरों ने चोरी कर लिया है। फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस को देने के बाद कही गई है। वहीं दिन दहाड़े मंदिर से चोरी पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जबकि यह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में चोरों की लगातार यह हिमाकत सोचने वाली बात है। पहला बार ऐसे नहीं हुआ है, जैसे पैसा वगैरह ऐसे कुछ भी निकाल लेता था, लेकिन गहना ये पहली बार थी। गहना पहली बार चोरी हुआ। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप, बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप, बने रहें हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। एक बार फिर से आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर एक युवक गंगा नदी में डूब गया है। मामले में बताया जा रहा है कि युवक अपने नाना के दशक्रम में आया हुआ था और वो गंगा स्नान कर रहा था। उसी दौरान वो गंगा के बीच लहरों में समा गया, जिसके बाद से घाट पर मौजूद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, मौके पर NDRF को आने की भी सूचना दी जा चुकी है। जख्मा है, आज आया नहाने वाले घाट पर है, मट्टी धंस के गिर गया। कहाँ का रहने वाला है युवक? हिलसा का है, लड़का जो डूबा हिलसा का, काम में आया था सिमी नवाबगंज। अपने नाना के यहाँ? नाना के यहाँ। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में पटना सिटी के पश्चिम दरवाजा मोड़ के पास राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध जताया गया, जहां राजदकर्ताओं ने गाड़ी में रस्सी बांधकर खींचते हुए नजर आए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता पहले से ही लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गई है और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि बढ़ाकर आम जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी होने से खाद्य पदार्थ समेत सभी वस्तुओं पर फिर दाम बढ़ेगी। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग किया है
कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को अविलंब वापस लिया जाए। पेट्रोल का दाम बढ़ने के कारण जो घरेलू सामान है, जो बाजार में बिकने वाले सामान है, सबका दाम आसमान छू रहा है। आज सरकार जिस गरीब को मारने की काम कर रही है, आज पटना साहिब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी इसका विरोध कर प्रकट करते हुए गाड़ी को हम लोग खींच कर विरोध प्रकट किया है और दिखाया है कि किस तरह महंगाई बेतासा बढ़ी है, पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।